अरे किस गहरी सोच में डूबे हो ताऊ? चालू बेटा, ये शार्क टैंक देख देख के हमारा भी घना मन कर रहा, क्यों ना एक घी का बिजनेस स्टार्ट कर लो। जैसे विनीता बेटी ने रणवीर को लेके एड में प्रमोशन करा, ऐसे मैं भी किसी बड़े से स्टार को लेके एड में प्रमोशन कर लूं। पर ताऊ, ये हीरो तो एक एक दिन के करोड़ों रुपए लेते हैं। वो तो ना है हमारे पास। कोई बात नहीं, क्रिएटिव हट्टी तो है ना। वो क्या है अब? देखो, जब हम घी के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी नानी याद आती है, तो हम नानी से ही प्रमोशन करवा लेते हैं। पर बेटा, हमारी नानी तो आपकी नानी नहीं ताऊ, आपकी नानी तो चल बसी, ये वाली नानी अमर है। आप रुको, नानी। सो ग्राहकों को अपना बिजनेस समझाना है, नानी है ना। ग्राहकों के लिए डिस्काउंट भी तो चलाना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके लिए भी नानी है ना। अरे वाह। और तो और, ग्राहकों को त्योहार जैसे कि हैप्पी दिवाली विश करना है, उसके लिए भी नानी है ना। अरे क्या बात चालू बेटा, ये नानी तो गनी ऑलराउंडर निकली, मेरा बिजनेस तो सुपर हिट हो गया। ताऊ पहले शुरू तो कर लो। तो शार्क्स ऐसे ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है क्रिएटिव हट्टी। शार्क्स क्रिएटिव हट्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मिलते हैं 100% देसी स्टॉक ग्राफिक्स, जैसे कि इंडियनाइज्ड कैरेक्टर बंडल्स, डिजाइन टेम्पलेट्स और ऐसे ही कई तरह के ग्राफिक एसेट्स जो कि आपके बिजनेस की ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। हमारा देश कितना ही डाइवर्स है, यहाँ हर कल्चर के लोग मिलते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट पर ग्राफिक्स ढूंढने जाएं तो कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं। इसी सोल्यूशन को लेकर आए हैं हम क्रिएटिव हट्टी। क्रिएटिव हट्टी के ग्राफिक्स ना सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पेटीएम सभी यूज करते हैं। इतना ही नहीं, कई सारी शार्क टैंक कंपनीज ने भी हमारे ग्राफिक्स यूज किए हैं और इसलिए इंस्टाग्राम पे निशा को शार्क डिजाइनर के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारे पास 1,00,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स का स्टॉक है और पिछले 3 सालों में क्रिएटिव हट्टी से 1,00,000 से भी ज्यादा वेक्टर्स डाउनलोड हुए हैं। तो शार्क्स, हम हैं टीम क्रिएटिव हट्टी के फाउंडर्स और मैं निशा। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं पवन। मैं मुकेश। और मेरा नाम शालू है। हम 5 पंचकुला हरियाणा से आए हैं और हमारा विजन है कि हर बिजनेस की विजुअल पहचान क्रिएटिव हट्टी के द्वारा हो और उसके लिए हमारी आपसे आस है 60,00,000 फॉर 2% ऑफ इक्विटी। शार्क्स, नानी भी पूछ रही है, क्या डील पक्की? पक्की? नानी को कौन मना करेगा। तो बिजनेस पे आने से पहले थोड़ा बताइए, हम 5 फ्रॉम पंचकुला मिले कहाँ पे? So, मैं और निशा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हमारी स्कूलिंग भी इकट्ठे थी एंड हमारी मुलाकात इन 3 अमेजिंग कोफाउंडर्स के साथ हुई ग्रेजुएशन में। एंड हमने डिसाइड किया कि हम लोग इस दोस्ती को बिजनेस में भी तब्दील करेंगे। फिर हमने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया एंड वहां से हमने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की। और अभी शादी नहीं हुई ना किसी? शादी हो गई है। किसकी हो गई? सर, मेरी और मुकेश की, निशा एंड पवन की। इनकी अलग किसी और के साथ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ना। पर शादी करने के बाद सारे एक ही घर में रहते? हाँ जी, सारे एक ही घर में। 7 साल। अच्छा, अभी हम जरा प्रोडक्ट पे आते हैं, आपके रोल्स क्या है आप पांचों के, कौन क्या करता है कंपनी में? मैं मुकेश, सीईओ ऑफ द कंपनी। शालू क्रिएटिव हेड। मी टू क्रिएटिव हेड। एंड मेरा सीओओ ऑपरेशंस हेड। और मैं सारे टेक्निकल ऑपरेशंस देखता हूं। बिजनेस समझाइए। तो शार्क्स, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज क्रिएटिव हट्टी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक टेम्पलेट्स जो हमारे इन हाउस क्रिएट किए गए हैं। देन आते हैं हमारे कैरेक्टर बंडल्स, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं बहुत अमेजिंग पर्संस की इलस्ट्रेशंस दिखाना चाहती हूँ इन अ वेक्टर स्टाइल। वी आर द टॉप नॉच फ्रीबीज। सो हमारा जो हार्ट एंड सोल ऑफ द बिजनेस है वो है हमारे कैरेक्टर, कि उसमें मल्टीपल पोजेज हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अनुपम शादी डॉट कॉम के लिए लेट से आपको एक पंडित जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे ये पंडित रामेश्वर जी मुझे लगता है आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका प्राइस 4,000 rupees फॉर द एंटायर कैरेक्टर सेट। यस। और ये 3,999 अगर मैंने दे दिया आपको एंड उसके बाद मुझे कोई रॉयल्टी नहीं देना? नो, इट्स फॉर लाइफ टाइम। यस, इट इज माइन। यस। और कोई आईपी इंफ्रिंजमेंट वगैरह हुआ तो? नहीं होगा ऐसी कोई बात। No. इसमें हम लोग आईपी ट्रांसफर करते नहीं है, रेगुलर लाइसेंस देते हैं। तो आईपी हमेशा आपके पास रहती है, तो कोई भी अगर लीगल इश्यू होता है आगे चल के वो आपके ऊपर? आईपी रिमेंस टू अस ओनली। समझ।
किसी ने डाउनलोड किया आपकी इमेजेस और फिर व्हाट्सएप पे बांट दी, वो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो तो खैर नहीं रोका जा सकता, बट ये है कि जैसे कोई बड़ी कंपनीज या कोई कॉर्पोरेट है उनको ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि अगर मेरे को उसको प्रिंटिंग में लेना है। आप लोग की कोई लीगल टीम है मतलब जो ये प्रोटेक्ट करती है? अभी के लिए वैसे कोई लीगल टीम है नहीं। आपका अगर किसी ने कॉपी किया तो आप लीगल नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजते अभी? नहीं, हम मेल डाल देते हैं उनको और मोस्टली वो या तो रिमूव कर देते हैं या फिर उसका पे आउट कर देते हैं। पर आपको पता कैसे लगता है? गूगल स्क्रोलिंग से, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग से वैसे ही पता लगता है। आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रिंजमेंट डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मुझे सेम पंडित चाहिए तो ऐसे नहीं है कि इट इज एक्सक्लूसिवली अनुपम। बट आई कैन आई पे यू मोर एंड टेक एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं है, अपस्केलिंग मॉडल है। मतलब हम बोलेंगे कि आप हमसे कस्टम बनवा लो। समझ बढ़िया। शटरस्टॉक डिपॉजिट फोटोज सिमिलर है? नो, सर ये हमारे अपने इन हाउस कैरेक्टर्स हैं। शटरस्टॉक के पास कंट्रीब्यूटर्स का डाटा है, प्लस उनके पास डाइवर्स डाटा है, मतलब ग्लोबली डाटा है। इंडियन डाटा इतना किसी के पास नहीं। वी कैन से सिमिलर बिजनेस मॉडल बट नॉट एग्जैक्टली सेम बिकॉज वी आर टैपिंग द नीश मार्केट। एक बात बताइए, आपका बिजनेस का जो फंडामेंटल, क्या उसमें अभी वजन बचा है बिकॉज ऑफ जनरेटिव AI? आप सिर्फ टाइप कर दीजिए और वहां पे आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई डोंट नो, मेबी 2000-3000, जितनी इमेजेस चाहिए उतनी मिल जाए। तो जहां तक मैं समझता हूँ, इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इतनी फिक्र नहीं, वो वहां से लेके यूज कर लेते हैं अपने काम। राइट, तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कोई है आफ्टर दिस काइंड ऑफ AI डेवलपमेंट? जो AI है, जो मिडजर्नी है, वो इंटरनेट से जगह जगह से डाटा उठाते हैं और आपको क्रिएट करके देते हैं। बट अगर कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो किसी ने बनाया ही नहीं, हम वो डाटा भी बनाते हैं। मिडजर्नी में आप जाके बिल्कुल ब्रांड न्यू इमेजेस क्रिएट कर सकते हो जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। भरा पड़ा है यार, फ्री में मिलता है। आप ये यही तो स्पेशलिटी है सर हमारी, भरा पड़ा है बट आप फिर भी चेक करोगे ये चीजें नहीं मिलने वाली। अपना धंधा कितना है आपका? हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। हमारी अपनी वेबसाइट जहाँ से हमारा 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है, देन दी अपसेलिंग जहाँ पे हम लोग कस्टम बना के देते हैं, तो दैट इज 30% ऑफ अ होल बिजनेस। एंड 20% आता है हमारा मार्केट प्लेस से, जैसे फ्रीपिक, शटरस्टॉक, इन सब पे हम अपना डाटा भी सेल करते हैं। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी 2020 के अंदर। 20 में क्या था? 2021 के अंदर हम लोगों ने किया 1.5 CR, उसके बाद हम लोगों ने किया 2.5 CR, पिछले साल हम लोगों ने किया 4 CR। क्या बात है। रिपीट कस्टमर्स परसेंटेज हमारी 22% है। और इस साल कितना करोगे? इस साल हम लोग वैसे 7 CR प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। पिछले महीने कितना किया? 55 लाख। और घर में कितना बचा पिछले महीने? आपका तो एक ही घर है तो आप आराम से बता सकते हैं। घर की अगर मैं बात करूं तो मतलब 12-13 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था। आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था जब आपने 4 करोड़ किया था? अराउंड टोटल ही 10-12 लाख के आसपास। लास्ट ईयर हम लोगों ने कम बुक किया क्योंकि बिकॉज़ हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे। एक्सपेंस मेनली क्या? मैनपावर ही होगी? हां, मैनपावर ही। कितने आप लोग टीम साइज क्या? 40 लोगों की टीम है सर। तो आपका 700-800 रुपए टाइप्स ऑर्डर वैल्यू बनता है ईच ऑर्डर का? क्योंकि वहां पे 4000 दिखा रहा था। 250 के करीब ऑर्डर वैल्यू। 50% तो यहीं से सर्विसेज बिजनेस है। आपका जो 250 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसके लिए आप टिपिकल CAC कितना होता है आपका? जी एक्चुअली हम CAC पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सारा ऑर्गेनिक है? सारा ऑर्गेनिक है। With zero spend on marketing, आपका सिर्फ 12 लाख profit है। Right. तो अगर आपको स्केल करना है तो आपको काफी मार्केटिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। अभी तो मेजर जो पार्ट है वो सैलरीज के ऊपर ही जा रहा है ना। टीम के पास जो है मेजर शेयर जाता है, 20 लाख रुपीज हमारा टीम के अंदर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होता है। Okay. तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टर्स, हम लोग अपना पार्ट विड्रॉ करते हैं 5 लाख रुपए महीने का, 1-1 लाख रुपए पर मंथ। तो 20 लाख वो हुआ सैलरी का, 5 लाख 25 लाख, 55 लाख का रेवेन्यू बाकी कहाँ गया? उसके बाद हमारे इंफ्रा पे जाते हैं सर कुछ कॉस्ट। इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रा बेसिकली क्या, हम लोगों ने जो ऑफिस एक्वायर किया हुआ उसके रेंट जाते हैं। इतना थोड़ी लगता है भाई, 15 लाख कहाँ खर्च करोगे पंचकुला में? नहीं, 15 लाख नहीं खर्च कर रहे सर हम लोग उसके अंदर। 3 ऑफिस है हमारे, और सिस्टम्स हो गए, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होगी, मिड जर्नी के एक्सपेंसेस हो गए, ChatGPT के एक्सपेंसेस हो गए, इन सारी चीजों को रिसर्च टीम के एक्सपेंसेस हो गए, सब मिला के 5-7 लाख रुपए ये जाते हैं हमारा बस। 30 लाख हो गया। अभी अपने को 40 लाख तक जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप GST हटा के बता रहे हो कि मिला के बता रहे हो? नहीं, अभी GST हटा नहीं रहे हम लोग, अभी सब कुछ इंक्लूडेड है। 10 लाख तो GST चला है। कितना GST अपनी कैटेगरी पे? 18% लगता है। देखिये, जहां तक मैं समझता हूँ आपका जो बिजनेस है ना वो एक फ्रीलांसर बिजनेस है, और आप 5 फ्रीलांसर साथ में आ गए हो और अभी इसको एक बिजनेस की तरह फंडिंग सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स नॉट पॉसिबल जहां तक मैं समझता हूँ। दी अदर थ्रेट ऑफ जनरेटिव AI जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई थिंक आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आगे जाकर आपका बिजनेस खत्म कर दो।
So that's the reason I'm out and I wish you the best. मेरा मानना ये है कि to really build something large, आपको ये एक एक जो आईपी है आपका जो you know, जो आप बना रहे हैं फतेह सिंह जी नानी जो भी you know, क्रिएट कर रहे हैं इनकी अपनी पहचान बनानी पड़ेगी मतलब इन दे विल हैव इवेंचुअली जैसे AI इन्फ्लुएंसर होते हैं ऐसा अपना पेज होगा उनका इंस्टाग्राम पे उनकी मतलब यू नो ब्रांड बनेगी तभी लोग कंटिन्यू करेंगे नहीं तो कोई भी आपका जो 4000 का आप बेच रहे हैं कोई भी डिजाइनर उसको कॉपी पेस्ट करके 3000 में बेच देगा कस्टमर इज नॉट लुकिंग फॉर नानी कस्टमर लुकिंग फॉर एनी नानी राइट तो वो तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकता है आई थिंक अभी राइट नाउ मुझे वो जर्नी ऑफ ये यू नो 7 से 50 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा उसके लिए थोड़े टीम गैप्स एंड अप्रोच गैप्स लग रहे हैं तो इससे अभी मैं इसके लिए इससे आउट हूँ बेस्ट ऑफ लक आपके ये जो ग्राफिक्स हैं इनका लिमिटेड यूज होगा इन ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन तो आप 30-40 crores तक बन सकते हैं आई हैव नो डाउट बट एज एन इन्वेस्टर मुझे एग्जिट मिलने के लिए यू हैव टू रीच अ सर्टन सेल्स जो ये कैरेक्टर के साथ आई डोंट फील द कॉन्फिडेंस And for that reason, I'm out. ये business जो है मेरे को from a investable perspective इतना large scale नहीं दिख रहा। देखो partly services business है जहाँ custom orders आते रहेंगे। और partly अपने दूसरी side पे अगर मैं जाऊँ तो product business जिसपे focus करना चाहिए because that's very high margin। एक बार character बन गया बार बार download होगा बार बार पैसा आएगा। I'm out for that reason, but I wish you all the best. I don't even think you should raise funds. You are doing very well. But sir, वैसे अगर मैं बात करूँ globally ना, वैसे 40,000 करोड़ की market है ये, और जिसमें सबसे बड़ा share ना Getty Images और Shutterstock का है. अगर वो एक platform. इसमें एक difference है जो तुम समझ नहीं रहे हो. Photography है वहाँ पर. Photography में बहुत expense लगता है. जब तुम platform बना दोगे ना community driven जहाँ तुम contribute कर रहे हो Indian images अभी भी कम मिलती है वहाँ पर by the way. तो अगर तुमको अगर कम्युनिटी एंगल में इस कैरेक्टर से जाके फिर अगर कम्युनिटी बना रहे हो तो फोटोग्राफी डालो दैट विल बी अ बेटर आइडिया टू स्केल द बिजनेस बट फॉर नाउ आई थिंक यू प्रॉफिटेबल जस्ट रीइन्वेस्ट इन योर टेक्नोलॉजी बिल्ड योर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एंड यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल गाइस कीप इट अप थैंक यू अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूं और रीजंस इन्होंने सारे बोल ही दिए हैं मैं रिपीट नहीं कर रहा बट आप लोग लगे रहो इन्वेस्टर की इतनी जरूरत है नहीं तो मत ढूंढो Super, very good pitch. All the best, guys. From Panchkula, best of luck, and we'll be rooting for you. From Hum Panch. Love what you build, guys. Thank you, Shaz. Thank you.